आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की कुछ ही दिनों पहले आई हुई एक नई वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है मून नाइट। तो मून नाइट एक बहुत ही अच्छी सुपर हीरो कैरेक्टर है, पर इसके कुछ नेगेटिव साइड है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है, इस सुपर हीरो के कुछ वीकनेस है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी कहानी के बारे में बात करते हैं। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि मार्क स्पेक्टर नाम का एक आदमी होता है, जिसको इजिप्शियन गॉड खोंसू से कुछ पावर्स मिलती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके ऊपर बुलेट भी काम नहीं करता। बहुत हद तक वो इनवल्नरेबल हो जाता है, बहुत ही ताकतवर हो जाता है। फिर भी इस सुपर हीरो के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, जिस वजह से इसको बहुत सारे डेंजर का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। इसमें से सबसे बड़ा जो इसका वीक पॉइंट है वो है मेंटल इलनेस। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है, जिस वजह से इसको ये हमेशा कंफ्यूज रहता है, अपने बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के बीच में ये तय नहीं कर पाता कि कौन सा पर्सनालिटी कब स्विच करना है, क्या करना है, अपने सारी चीज़ें, अपनी सारी ज़िंदगी को ये ठीक से याद नहीं कर पाता है, कब कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। यहाँ तक कि इतनी बुरी हालत आ जाती है कि ये खुद भूल जाता है कि ये कभी कभी सुपर हीरो है, ये बात भी ये भूल जाता है, कभी कभी ये अपना नाम भी याद नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट है, और इस वजह से मून नाइट सुपर हीरो एज ए सुपर हीरो भी इसको डेंजर फेस करना पड़ता है, एज मार्क स्पेक्टर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग भी इसको बहुत सारे डेंजर्स को फेस करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इसके कैरेक्टर स्विच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब एक ही घंटे में दो दो कैरेक्टर्स, कभी एक्शन सीन चल रहा है तो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाला कैरेक्टर स्विच हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाए तो सीधा ही मून नाइट वाला सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मार्क स्पेक्टर का जो अपना पर्सोना है उसको रियल लाइफ और ड्रीम्स के बीच में फ़र्क समझ नहीं आता। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से मून नाइट जो सुपर हीरो एज ए लाइफ है इस सीरीज़ में दिखाया जाएगा, आगे सेकेंड सीजन आएगा, तो उसको बहुत सारे डेंजर्स का फेस करना पड़ता है। तो ये है थी मून नाइट की कुछ वीकनेस। बाकी हम लोग आगे मिलेंगे कोई नई वीडियो में।